हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 6 जो हमने लिया है एक्सरसाइज 2A से, एक्सपोनेंट्स चैप्टर 2 क्लास 8 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक से। गिवन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में 4/3 का इन्वर्स माइनस में 1/4 का इन्वर्स का होल इन्वर्स। इसको हमें इवेल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड्स, और वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन है 4/3 इसका इनवर्स माइनस में 1/4 इसका इनवर्स, एंड जो माइनस करने के बाद जो आएगा आंसर उसका होल इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एज वी नो इनवर्स क्या हो जाता है, जैसे कि जब ए अपॉन बी है, इसकी होल पावर माइनस वन है, तो क्या हो जाता है, बी अपॉन ए, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3/4, माइनस में 1/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/1, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगेन इन्वर्स करना है। ठीक है, तो 4 और 1, अब हमें यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है 4 और 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, 4 1 जा 4, 3 एंड 1 इंटू 3 आ गया 3, माइनस में 1 से डिवाइड करेंगे 4 को आ गया 4, एंड 4 इंटू 4 करेंगे आएगा 16, तो 3 - 16/4 का इन्वर्स ये वाला आ गया, 3 - 16 माइनस का 13/4 इसका इन्वर्स हो गया। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4/-13। ठीक है, अब डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -1/-1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, -4/+13, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन 6, इसको हमने इवेल्यूएट किया है, और इसमें हमें आंसर मिला है -4/13। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और भी वीडियोज़ आगे देखते रहने के लिए। थैंक यू गाइज, बाय एंड टेक केयर।